नमस्ते दोस्तों, मैं हूं शाहिल। आपने लॉग इन किया है इंडिया समाचार। अगर आपको हमारी टीम की मेहनत पसंद आए तो चैनल सब्सक्राइब कर हमें और हिम्मत दें। धन्यवाद। जनपद लखीमपुर खीरी के थाना गोला गोकर्ण नाथ के अंतर्गत राधे कुंज पंजाबी कॉलोनी के एक मकान में युवक की संदिग्ध अवस्था में मिला शव। थाना गोला गोकर्ण नाथ के अंतर्गत राघव कुंज पंजाबी कॉलोनी में काफी समय से बंद पड़े एक मकान में सुधीर मिश्रा पुत्र श्याम सुंदर मिश्रा निवासी उम्र 35 वर्ष ग्राम सभा बिलारी जो कि मौजूदा हालत में बादल नगर कॉलोनी लखीमपुर रोड निवास पर रहता था, कल शाम लगभग 8 बजे के आसपास से घर से निकलकर राघव कुंज मकान पहुंचा। वहां पर एक चरपाई के ऊपर सुधीर कुमार का शव पड़ा मिला। उसके पास एक 315 वोल्ट तमंचा कुछ जिंदा कारतूस भी मिले। मृतक की पत्नी से मिली जानकारी के अनुसार उसने बताया कि शाम को जब ये घर से बाहर जा रहे थे तो उनके साथ एक और व्यक्ति था जिन्होंने मेरे बच्चे से पानी पीने के लिए मंगवाया था, लेकिन बच्चा छोटा होने के कारण उसे पहचान नहीं पाया। पत्नी ने ये भी बताया कि जब शाम को हमने फोन किया तो इन्होंने बताया कि हम थोड़ी देर में घर आएंगे। जब काफी समय बीत गया तो फोन मिलाया गया तो इनका नंबर स्विच ऑफ बताया। जब वे रात भर नहीं आए तो सुबह हमने घर पर दूसरे मकान की चाबी खोजी, वे नहीं मिली। हम दौड़ते हुए उस मकान पे आए तो देखा बाहर मोटरसाइकिल खड़ी हुई है। जब मकान के अंदर घुसकर देखा तो एक चरपाई पर मृतक अवस्था में पड़े हुए थे। इनके सर पर गोली लगी थी और खून चरपाई के नीचे काफी दूर तक गया था। हमने जेठ को फोन किया और सारी घटना बताई। वह तुरंत मौके पर पहुंचे और देखा कि गोला पुलिस को सूचना दी। गोला पुलिस मौके पर पहुंचकर जिले के आला अधिकारियों को पूरी घटना की जानकारी दी। अधिकारियों ने फोरेंसिक टीम के एक्सपर्टों को भेजकर मौके मुआयने की पूरी जांच करवाई। पुलिस अधीक्षक लखीमपुर खीरी रामलाल वर्मा मौके पर मौजूद। ये हम कल शाम को कितने बजे घर से निकले थे? किसके साथ में? हमने उनको देखा था, बच्चे ने बताया कि अंकल आए हैं। अच्छा, क्या उन अंकल का नाम आपको मालूम है? नहीं, बच्चा छोटा है, बहुत छोटा। पड़ती है वहाँ पर सूचना प्राप्त हुई कि एक व्यक्ति जिनका नाम सुधीर मिश्रा है, उम्र करीब 35 वर्ष, उनका गोली लगी हुई है और मृत अवस्था में पड़े हुए। इस सूचना पर हमारे स्थानीय पुलिस तत्काल मौके पर आई। 500 की गाड़ी आई और हम लोग जो है FHL की टीम भी बुलवा ली। मौके स्थित पर मौके पर 315 वोल्ट का पट्टा एक मिला है और उसके कुछ कारतूस भी मिले। एक कारतूस 315 वोल्ट के चक्के पर फंसा हुआ। विधि विज्ञान एक्सपर्ट से हम लोगों ने मौके पर सभी साक्षियों को एकत्रित रखा दिया है और शीघ्र ही हम इसका सभी साक्षियों का परीक्षण कराने के बाद फिर भी सकते हैं। फिर भी सर, प्रथम दृष्टि में क्या लगता है सुसाइड? जब तक पूरी जांच नहीं हो सकती हम कुछ नहीं कह सकते। ओके।